क्या हाल है आपके? बहुत बुरे लग रहे, तोबा तोबा तोबा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन मीम्स। आप देख तू मीम से मुझे याद आया कि चैनल को हिंदी में क्या बोलते हैं। नमस्ते, मैं प्रिया हूँ और मैं भैन में रहती हूँ। नमस्ते, मैं देविका हूँ और मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। तो आज का सवाल ये है कि चैनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटी बच्ची हो क्या? खैर, इसका जवाब मेरे को कमेंट में बता देना और शुरू करते हैं वीडियो। अपने बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना, वो कितना तंग करे आपको, होता है? नहीं बताओ, आई एम आस्किंग यू। सॉरी, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया भैंस की आंख पर ना भाई। तो नहीं बताओ भाई की गलती नहीं है, उसकी स्क्रिप्ट में ही नहीं था ये। भाई भी लाइक, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया बे। सर, आपको ज्यादा मजा बैटिंग में आता था कि बॉलिंग में? क्रिकेट में। फील्डिंग में भी? क्रिकेट। जब पहले उन्होंने जवाब दे दिया कि सर आपको ज्यादा मजा किस में आता था, बॉलिंग में बैटिंग, क्रिकेट में, फिर क्यों क्रॉस क्वेश्चन करने का? नहीं, फील्डिंग में कि, अरे भाई उन्होंने बोल दिया ना मेरे को क्रिकेट में मजा आता था, पूरे क्रिकेट में। वो फील्डिंग करे, बैटिंग करे, बॉलिंग करे, कुछ भी करे। चले तू भाई, बाबू भैया को बेकार ही तुम लोगों ने इस मीम के ऊपर वायरल कर रखा है। वायरल तो भैया होने चाहिए, जनरली भाई का सही सूट कर रहा है। सारी उम्र में इट वाज परफेक्ट। अरे वाह, उर्फी की छोटी बहन चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए, जंगल जंगल बाग चली है पता चला है, ए चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला। Ew, this is so cringe. ये क्या बोलते हैं, सुपरमैन के बाद सुपर विमेन बन गई, वो भी फूल वाली सुपर विमेन। का कर रहे हैं लोग भैया, उर्फी दीदी जल रही होंगे इनको देख करके कि ये आइडिया मेरे को कहीं को नहीं आया, इसको पहले क्यों आया। इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। टेकटे कमेंट किया, इज दिस गर्ल्स फ्रीडम? नहीं भाई, नहीं, ये वो फ्रीडम नहीं है जो हमें चाहिए। ये तो ये पागल पागल है, हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं, जैसे कुछ लड़के लड़के के कौम का बर्बाद करते हैं। इट्स प्रीटी नॉर्मल, समझो इस चीज को। एक लड़की को देख के सब कुछ कहते हैं, हाँ तुम्हें यही चाहिए ना, तुम्हें यही चाहिए ना। नहीं, उर्फी जावेद भी लाएगी आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। वाह, मैंने भी यही बोला, आई हेट माई जनरेशन फॉर अ रीजन। भाई ये जनरेशन ही गधी है भाई, ये जनरेशन ही पागल, पर ये हमारी जनरेशन की लग नहीं रही है मुंह से, ये बड़ी लग रही है थोड़ी सी। ये देश बदल रहा है। गुड फ्रेंड्स एट COP28, इट्स ऑफिशियल मेलोडी, पावर ऑफ मीम्स। ओ मैं तो चलने आ तेरी ओर भाई। जनरली मैं तो अभी इतने मीम देख लिए ना, मोदी जी और मेलोनी जी के, भैया मेरा तो ऐसा हो गया है कि भगवान इनको इनका प्यार दिलवा दे प्लीज। भाई इतना मीम वायरल हो गया कि मेलोनी ने खुद ही लिख दिया भाई इसकी मेलोडी। देख रहे हो, ये प्यार नहीं तो क्या है, बताओ तुम, नहीं तुम बताओ ना। This is business. लड़के वाले लाइक करें, now we can sleep happy. हम तो लड़के वालों की तरफ से हैं। रब ने बना दी जोड़ी, नहीं मीम्स ने बना दी मेलोडी। दहेज में इटली चाहिए। वॉइस किया, कितने क्रिएटिव है ना भारत के लोग भाई। इतना तो इटली वाले भी पागल नहीं हुए होंगे जितना हम हो गए हैं। हम अलग ही खुश है भाई, लड़के वाले ज्यादा खुश जाते हैं ना। अब जैसे तुम्हारा कोई दोस्त हो, तुम्हारा कजन हो, जैसे तुम्हारा खुद का भाई हो, जब वो बताता है कि तुझे पता है मेरे को लड़की पसंद है, हम खुशी के मारे अलग ही पागल रहते हैं। लड़की वालों को नहीं पड़ता फर्क भाई, लड़की वालों को नहीं पड़ता फर्क। वो इससे अच्छा तेरा बॉयफ्रेंड है, अच्छा तेरा हाँ ठीक है, तो है हाँ, हम क्यों खुश हो भाई। भाई लड़के वाले कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि ओ भाई भाभी मिल गई, तेरे को भी भाभी मिल गई, तेरे को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बहुत खुश होते हैं भाई लड़के वाले, बहुत खुश होते हैं, अलग ही लेवल खुशी होती है उनकी। POV शाहरुख खान वॉचिंग आ चीज। सच्चा वेरी ब्यूटीफुल मूवी, एक रत्ते समझ में नहीं आई मेरे को, मेरे को बोलना ही नहीं है इसके बारे में, वीडियो बनाऊंगी इस पे, मतलब बना दी होगी, अब तक तो अपलोड हो चुकी होगी वो मेन चैनल से। हाँ नहीं देखी तो जाके देख लेना प्लीज।
प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। मोदी जी सिंपल, प्यार दोस्ती है। ओके मिस बिगिनर, एक ने कमेंट किया है AI इज डेंजरस मीनवाइल इंडियंस। भाई हम अपने प्रधानमंत्री को ही नहीं छोड़ रहे भाई, हम अपने प्रधानमंत्री की सेटिंग करवाने में लगे पड़े। हमें नहीं चाहिए डेवलपमेंट, हमें उनकी सेटिंग देखनी है भाई। हम बहुत खुश हैं, मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं, हमारे पेट में बटरफ्लाई फील हो रही है भाई, हमें नहीं पता हम क्यों खुश हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। कोई बंदा खुश हो जाए हमारे आगे, हम तो एकदम प्राण दे देते हैं उसके लिए कि तू खुश रहे भाई, तू खुश रहे। अलग अलग ही बात होती है भाई, इंडियन होने में अलग ही बात होती है। बार बार झूठ बोलो। यंग एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर, सही बोला ना मैंने? नहीं बोला तो स्पेलिंग पढ़ लेना सामने से। बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पाकिस्तान क्यों आई? वैसे ही बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता है तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? दो फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और मुझे ये बताएं कि घर वाले सब वहीं रहते हैं? जी जी। पाकिस्तान रिश्तेदारों से मिलने आई हूं? जी, बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता ये तो आम बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। है? ये पक्की बात है? जी जी। आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए? आपने कहा मैं सच बोलूंगी। देखिए सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। भाई, लोगों को देख कर रही बंदी ऐसे, मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह देखे। मैं कहा आपने 5 साल में ये पैसे? जी जी बिल्कुल ठीक। मम्मी वो फटी वाली टी शर्ट देना मेरी, भीख मांगने जाना है मुझे। भाई अब ये वीडियो देख करके मेरे को लग रहा है कोई फायदा नहीं है भाई मेहनत करने का, कोई फायदा नहीं। Hey guys, welcome back to my channel. तो आज हम एडिटर को पैसा देने का, फिर मतलब इतना पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं है यार। इन्वेस्टमेंट इतनी है यहाँ पे, किसी भी लाइन में चले जाओ वहां देखो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई। रिटर्न देखो, डन। फटी हुई टी शर्ट का आंटी डिडंट हेजिटेट। अभी तक माता जी आप कितने 100 का पोस्टमार्टम कर चुकी है? 22-23 हजार लगभग हम कर। 22-23 हजार वगैरह जो होता है, लोग ये भी कहते हैं कि 100 कभी कभी जिंदा हो जाता है, बैठ जाता है, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, एक बार हुआ था जो आँख खोल लेता था, एकदम ताजा बॉडी था, लगभग 7-8 घंटा उसका डेट की हुआ था, उसके बाद में लाइव पोस्टमार्टम के लिए तो आँख बार बार ऐसे खोल लेता था, ऐसे करके 2 बार आँख मुन दिए, 3रा बार में कहे कि शांत रहो तुम डेड बॉडी हो। लाश के पास सबसे पहले कौन आया था? कोई नहीं। कोई नहीं मतलब? मतलब जब हम लोग आए थे तो वो लाश नहीं थी, वो जिंदा था। वो जिंदा था मतलब? हाँ, वो बस मरने वाला था। मरने वाला था मतलब? आखिरी सांसें बाकी थी उसकी, मगर तभी मर गया था। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी मेरी ऐसी ऐसी कभी घटना में हो जाए तो पोस्टमार्टम के लिए कोई आदमी भेज देना साथ में, पता लग रहा हो मैं जिंदा हूँ, आंख बंद करके मेरे को बोल देगी तुम डेड बॉडी हो, चुपचाप मरो, पेट काटने दो तुम्हारा हमें। इसकी आग भाई साहब, तुम चुप रहो, तुम डेड बॉडी हो। नहीं मैया रे, कॉमेडी नाइट विद कपिल वर्सेस। मेरे साथ एक ये खड़े हैं, लीडर हैं, इनको आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, नहीं हूँ। सर की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो कक्षा 3 फेल है। कक्षा 3 फेल है सर? सर लिख तो लिख कुछ भी नहीं पाते हैं, खाली पढ़ पाते हैं, लेकिन इस महीने की इनकम सर की 96,000 रुपए है। 1,00,000 रुपए में, 1,00,000 रुपए में 4,000 रुपए कम है, लेकिन अगले महीने से इनकी 1,00,000 रुपए कभी कम होने नहीं दूंगा, ये मैं दावा करता हूँ। हकीकत बता मेरे साथ। सर को देखते लगता है वो खुद 6,000 रुपए कमाते होंगे, उसके उसमें क्या ऐड कर। अबे भाई इतना फेक भी नहीं करना होता ब्रो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि MLM पे पूरी एक वीडियो बना रखी है, मेन चैनल पे है, तो कृपया करके जा करके देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। आगे बढ़ते हैं। ब्रो इज डाउन टू अर्थ। भाई
भाई साहब एंट्री अच्छी थी पर बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल डाउन टू अर्थ अंडरग्राउंड टू अर्थ ब्रो इज अंडरग्राउंड भाई इट्स गेट्स मोर फनी ईच टाइम यार लिटरली बहस गया मजे में चलते चलते आ रहा है Well, that is for today, guys. Hope you liked the video. Thank you so much for watching. And yes, don't forget to do like, share, and subscribe. Radhe, Radhe.